हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड द पीवाईक्यू सेशन, जिसमें आज हम 2015 के पंजाब पीसीएस के हिस्ट्री सेक्शन में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अगर हम हिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो एंटायर इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपकी एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न तीनों ही इंक्लूड है, साथ ही साथ बहुत से सवाल आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स, दालूदयाल, गुरु नानक, तुलसीदास। ठीक है, तो आंसर करेंगे स्टूडेंट्स, हु अमंग द अमंग वाज वर प्रीचिंग व्हेन लोदी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर, व्हाट शैल बी द राइट आंसर। क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जब बाबर राइज कर रहे थे, मुगल अंपायर की जड़ें मजबूत हो रही थी, एंड देयर वाज अ फॉल ऑफ लोदी अंपायर। बहुत सिंपल सवाल है, सो बी इज बेसिकली द राइट आंसर। गुरु नानक जी उस समय प्रीचिंग्स उनकी जो थी बहुत ज्यादा फेमस थी इस पूरे रीजन में। He was born in 1469 and died in 1539. हाँ जी, so ये अगर आपको डेट याद है तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है पानीपत की पहले युद्ध की, पानीपत की फर्स्ट बैटल की 1526 में, ठीक है, जहां पर इब्राहिम लोदी की हार हुई थी एंड फाइनली बाबर ने मुगल अंपायर की जड़ें जो थी मजबूत करना शुरू कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको सही आंसर पता चल गया होगा। चलिए मूव टुवर्ड सेकंड क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग अपेरेंटली इंप्रेस जहांगीर टू इशू अ फरमान इन 1613 एडी टू इंग्लिश टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत, काइंडली आंसर। पहला ऑप्शन है रिकंसिलिएशन बिटवीन द इंग्लिश एंड पोर्टुगीज, अ सीक्रेट ऑफर ऑफ अ नेवल हेल्प टू मुगल एम्परर टू आउस्ट द पोर्टुगीज, a heavy dose of bribe to Noorjahan, and the defeat of Portuguese naval squadron by the British. क्या वो वजह थी स्टूडेंट्स जिसकी वजह से जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को फरमान खुश होकर दिया था 1613 में, जिसकी वजह से सूरत में पहली फैक्ट्री उनको अपनी जो थी आफ्टर मौसली पॉटनम जो थी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्री सूरत में एस्टैब्लिश करने का मौका मिला था। काइंडली आंसर स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू। So students, B is the right answer. The defeat of Portuguese naval squadron by the English. देखिए हुआ क्या था, सूरत में उस समय ऑलरेडी जो पोर्टुगीज थे उनकी जड़ें मजबूत थी, और दूसरी तरफ थे इंग्लिश, ब्रिटिशर्स मतलब उस समय इंडिया में अपने ग्राउंड्स को स्ट्रॉन्ग करने की, स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे थे। सो ब्रिटेन से फ्लीट बिगेन, ठीक है, भारत पहुंचने वाला था, और फाइनली जब सूरत में पहुंचा तो वहां पर जो है उन्हें उनकी भिड़ंत हो गई पोर्टुगीज से, झगड़ा उनका हुआ, बैटल हुई जिसमें ब्रिटिशर्स ने पोर्टुगीज को हरा दिया। नाउ बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन उनकी जो साख थी उस समय बहुत ज्यादा बड़ी, और इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुए जहांगीर जो कि मुगल आपके एम्परर थे उस समय, और खुश होकर उन्होंने एक फरमान जो था ब्रिटिशर्स को जारी किया। अंडर दिस फरमान सूरत में उनको पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का मौका मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच प्राइमरी एजुकेशन, हंटर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन, रैलिक कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एंड सेडलर कमीशन रिजेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी, काइंडली आंसर स्टूडेंट। क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थ्री। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा। सो सी इज बेसिकली द राइट आंसर, रैलिक कमीशन जो कि 1902, ठीक है, 1902 भारत में एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसको कैसे बेटर किया जाए। बेसिकली उस समय तक जो यूनिवर्सिटी आपकी लेवल की हायर स्टडीज थी बहुत क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कुछ खराब चीजें भी थी, तो इसी को रिव्यू करने के लिए कमीशन बनाया गया था, कैसे फर्दर एजुकेशन सिस्टम को और बेटर किया जा सकता है यूनिवर्सिटी लेवल में, ठीक है। अब एक और यहां से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई एकमात्र इंडियन इसमें शामिल थे जिनका नाम था सैयद हुसैन बेलग्रामी, ठीक है, ये जो थे एकमात्र इंडियन थे जो इस कमीशन का हिस्सा थे, तो ये भी आपको फैक्ट जरूर पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, विच will be a valid generalization about the immediate result of the French Revolution of 1789. So, Roman Catholic Church increased its power, the
The revolution established peace, democracy, and justice. The revolution had little impact outside France. And D, the France middle class gained more power. Kindly answer, student. French Revolution के इंडेक्स में ये सवाल है 1789. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आफ्टर दिस रेवोल्यूशन एक कह सकते हैं कि भाई पूरा ही एक स्ट्रक्चर बदल गया था यूरोप, स्पेशली फ्रांस में एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है. सो क्या सही आंसर होगा? सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज बेसिकली द राइट आंसर. द फ्रेंच मिडिल क्लास गेन्ड मोर पावर. नाउ बिफोर दैट मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इन एग्जिस्टेंस एंड देयर वॉज अ हेगेमनी ऑफ चर्च. ठीक है, चर्च जो था उसका काफी हद तक इंटरफेरेंस रहता था पोलिटिकल अफेयर्स में, और मोनार्कियल गवर्नमेंट जो थी वो एग्जिस्टेंस में थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस टू जो आम जनता है, लोअर क्लास में आपके मिडिल लो मिडिल क्लास है, वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी. तो एक रेवोल्यूशन धीरे धीरे क्रिएट हुआ और ज्यादा से ज्यादा जो मिडिल क्लास है उनके पास जो थी शक्तियां आई. फ्रांस की दीवारों पर अक्सर जो थे ये वर्ड लिखे हुए मिलते थे कि भाई मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरी मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन, जो कि रूसो के गोल्डन वर्ड्स हैं, ये अक्सर हमें वहां मिलते थे. इसके अलावा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे थॉट्स भी जो है इस रेवोल्यूशन का ही की वजह से ही अस्तित्व में आए थे. सो कह सकते हैं कि भाई बहुत ना सिर्फ फ्रांस या यूरोप के कंटेक्स्ट में बट जो मॉडर्न डे डेमोक्रेसी है उसके लिए भी ये जो आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो एक आधारशिला की तरह. चलिए फर्दर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द रशियन पीजेंट्स सपोर्टेड द बोल्शेविक इन 1917 रेवोल्यूशन मेनली बिकॉज द बोल्शेविक प्रॉमिस टू एस्टैब्लिश कलेक्टिव फार्म्स, मेंटेन द एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट सिस्टम, ब्रिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी रशियन फार्म्स, एंड डी रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड ऑन्ड बाय द नोबिलिटी. सो काइंडली आंसर स्टूडेंट, व्हिच शैल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करेंगे, बहुत सिंपल है ये. अगर आपने पढ़ा है वर्ल्ड हिस्ट्री में बेसिक रशियन रेवोल्यूशन, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. सो ऑप्शन डी स्टूडेंट्स, रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड ऑन बाय द नोबिलिटी. देखिए रशियन रेवोल्यूशन आपका 1917 में हुआ था, बुर्जुआ क्लास जो है, इलीट क्लास है उसके अगेंस्ट, एंड इट वॉज लेड बाय व्लादिमीर लेनिन. उस समय के जो आपके रेवोल्यूशनरी लीडर थे उन्होंने लेड किया था. फर्दर 1917 to 1924 तक वो आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट भी रशिया के रहे थे. ठीक है, सो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई समानता लाई जाए समाज में. जो एक खाई खुद गई है आपके, रिच बिकम्स मोर रिच, पुअर रिमेन पुअर, तो उस खाई को भरा जाए. और ये पॉसिबल होगा सबसे पहले जो भी लैंड है, ठीक है, मेन उस समय जो प्रॉपर्टी होती थी वो लैंड ही होती थी. तो लैंड जो है एक्वायर्ड की है नोबिलिटी क्लास ने या एलीट क्लास ने, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया. ठीक है, तो डी इज बेसिकली द राइट आंसर. Now, move towards question number 6. Under the Government of India Act 1935, each of the following provincial legislatures consisted of two chambers except option A, Assam, Bihar, Madras or Punjab. Question number 6 students, बहुत simple है ये भी. 1935 के act के context में बात हो रही है, बहुत ही important act है ये. Kindly answer question number 6. So students, D is basically the right answer. ठीक है, under the Government of India Act 1935, जो provincial legislature है consisted of two chamber, पंजाब को छोड़ के बेसिकली सभी जगह ये लागू किया गया था, पंजाब में नहीं किया गया था. ठीक है, each of the following except पंजाब, असम, बिहार और मद्रास में से लागू किया गया था. अब बहुत important था ये act. क्यों important था भाई? एक तो हमारा जो भी constitution है highly inspired by British constitution, और जो ये जो 1935 का एक्ट था इसकी जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, देखिए जैसे आपके 321 सेक्शंस थे उस समय या 10 शेड्यूल्स थे, तो ये जो आइडिया है फर्दर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया गया है. एंड इट वाज रिसीव्ड रॉयल असेंट इन 1935. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इस एक्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7. द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर टू इवॉल्व नॉन कॉपरेशन एंड यूज ऑफ स्वदेशी एज पॉलिटिकल वेपन्स वॉज बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सदगुरु राम सिंह एंड बी जी के गोखले. गोखले होगा ये, ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ी गलती है. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आंसर होगा? द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर टू इवॉल्व नॉन कॉपरेशन एंड यूज ऑफ स्वदेशी एज अ पॉलिटिकल वेपन. स्वदेशी मूवमेंट जो है या स्वदेशी का एज अ पॉलिटिकल वेपन इस्तेमाल किया. तो स्टूडेंट्स
इज बेसिकली द राइट आंसर. यहां आप थोड़ा सा भ्रम में हो सकते हैं कि महात्मा गांधी ने पहली दफा यूज किया था, तो ये बिल्कुल गलत है. सदगुरु राम सिंह जो है इन्होंने पहली दफा इसे यूज किया था. ये एक रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और बाबा बालक सिंह जी के प्रभाव में आके इनकी लाइफ जो थी कंप्लीटली बदल गई थी. उसके बाद इससे पहले ये खालसा आर्मी के भी हिस्सा थे, ठीक है. एंड ऑफकोर्स ही क्योंकि खालसा आर्मी के हिस्सा थे तो ऑफकोर्स वायलेंस कंसिडर एज अ टूल है ना, कि भाई युद्ध के माध्यम से भी या लड़कर भी जो है हमें अपने गोल्स को अचीव करना है. बट जब ये बाबा बालक सिंह जी के कॉन्टेक्ट में आए हैं तो कंप्लीटली इनका जो एक सोच थी वो कंप्लीटली बदल गई. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि भाई इन्होंने पीसफुल जो टूल्स हैं, इसमें सत्याग्रह है या आपके स्वदेशी है, इन सभी वैल्यूज को अपने जीवन में उतारा और पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पोलिटिकल प्लेटफॉर्म पे इसका इस्तेमाल भी किया. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ेंगे. लाला लाजपत राय वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स? कोहिनूर, द पंजाबी, वंदे मातरम एंड द पीपल. हां जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करें. लाला लाजपत राय सो डी इज बेसिकली द राइट आंसर, ठीक है. इन सभी न्यूज़पेपर का संबंध जो है वो लाला लाजपत राय के साथ रहा है. एंड इन सभी न्यूज़पेपर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है. जो हमारी नेशनल मूवमेंट है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इनमें आर्टिकल्स आते थे, जो एट्रोसिटीज ब्रिटिशर्स कर रहे हैं उनको न्यूज़पेपर में छापा जाता था ताकि आम जनता तक ये बातें जो है पहुंच सके, रीजनल लैंग्वेजेस में ये बातें जो है वो पहुंच सके. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है लाला लाजपत राय जी का भी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. द अकाली मूवमेंट स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रीइंग द गुरुद्वारास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ महंत्स, ठीक है. कौन सी इनमें स्टेटमेंट सही है ये देखना है. महंत वर लॉयल टू द ब्रिटिश रिजीम. जनरल डायर द प्रीपेटर ऑफ जलियांवाला मसाक वाज ऑनर्ड इन द गोल्डन टेंपल. सो काइंडली आंसर स्टूडेंट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सी इसमें सही है. आंसर करेंगे, बहुत सिंपल सवाल है ये. अगर आपने अकाली मूवमेंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. सो स्टूडेंट्स, डी इज बेसिकली द राइट आंसर. तीनों ही स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है. अब कैसे, देखिए हुआ क्या कि भी 1920 से पहले आपके महंत जो है इनके कंट्रोल में, गुरुद्वारा का कंट्रोल इनके हाथों में रहता था, करप्ट थे ये सभी महंत, और इसी वजह से गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ था, या जिसे अकाली मूवमेंट भी हम कहते हैं. 1920 में ये शुरू हो गया. देन फाइनली 1925 में एक गुरुद्वारा रिफॉर्म बिल भी पारित किया गया था, ठीक है. अब ये जो करप्ट महंत थे ये बड़े लॉयल थे ब्रिटिशर्स के, क्योंकि इनके बेनिफिट्स जो है ब्रिटिशर्स द्वारा पूरे किए जाते थे और ब्रिटिशर्स भी इनको सपोर्ट करते थे, ठीक है. ये कारण था, ठीक है. इसके अलावा जो है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि भाई जो जनरल डायर हैं, जब जलियांवाला मसाक हुआ था उसके बाद इनको गोल्डन टेम्पल में ऑनर्ड किया गया था. तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है. चलिए अगले सवाल पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद पीजन मूवमेंट इन पंजाब? बाबा सोहन सिंह, बाबा रूप सिंह, तेज सिंह, सपनावर, बाधवारा. हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर. जो पीजेंट मूवमेंट आपकी रही है पंजाब में, ठीक है, तो इनसे, इनमें से कौन है जिनका संबंध नहीं था वो आप गेस कर सकते हैं. काइंडली आंसर. बहुत ही सिंपल सवाल है, तो ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स. डी इज बेसिकली द राइट आंसर. ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है. सभी का जो था पीजेंट मूवमेंट पंजाब में जो शुरू हुई थी डिफरेंट लेवल पे, ठीक है, उसमें इन सभी का संबंध था. बाबा सोहन जी हैं जो कि गदर पार्टी के फाउंडर भी रहे हैं और बहुत सिग्निफिकेंट लीडर रहे हैं ये, ठीक है. इसके अलावा बाबा रूप सिंह जो है, तेज सिंह, सतनावर, बाधवाराम, इन सभी का जो पीजेंट मूवमेंट है अगेंस्ट ब्रिटिशर, जो लैंड टैक्सेस थे, एलोकेशन ऑफ लैंड राइट्स थे, ठीक है, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी. तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन सभी का इन्वॉल्वमेंट था पीजन मूवमेंट में पंजाब में. चलिए सुनो, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस. आई होप कि अच्छे से आपको समझ आए होंगे और आई होप कि यू गॉट एन आइडिया कि भाई किस लेवल के सवाल जो है पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं. देखिए हमारा मेन पर्पस ही इन पीवाईक्यू सेशंस के माध्यम से या इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का यही है कि आपको पता चले कि कैसे सवाल, किस लेवल के सवाल जो है पीसीएस में पूछे जाते हैं.
तो चलिए स्टूडेंट, हमारे सेशन के साथ आप बने रहेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।